अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अज़ीज़ तुलबा तालबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। आओ अंग्रेज़ी सीखे। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेसन है और हमारा टॉपिक है वो है लेसन नंबर 68, लेसन नंबर 68, टूल्स एंड वारफेयर। इसको उर्दू में कहते हैं औज़ार और हथियार। तो आज के इस टॉपिक में, लेसन नंबर 68 में, हम जो औज़ारों के मुतालिक और हथियारों के मुतालिक यहाँ पर मालूमात हासिल करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि एनविल, जिसको कहते हैं नहाई, क्या कहते हैं नहाई। उसके बाद में एक्स, कुल्हाड़ी, बैलेंस, तराजू, बगिंग हुक, जिसको उर्दू में कहते हैं दराती, कोल्ड चीस्ट, छीनी, कैंपस, कुतुब नुमा, ड्रिल, बर्मी, जिससे वो मशीन आती है जिससे हम होल करते हैं, छेद करते हैं। उसके बाद डिवाइडर, परकार, डैगर, खंजर या छुरा, हैमर, हथौड़ा, जैक प्लान, रंदा, यड़ा, जिसको क्या कहते हैं रंदा, जिससे हम जो वो लकड़े के अंदर जो फली आती है, जो उसको हम चिकना करते हैं, जिसको बोलते हैं हम एकदम फ्लैट साफ चिकना करते हैं, उसको क्या कहते हैं जैक पेन, रंदा। पुलाव, हल, जो किसान जो बैल के आगे लगाते हैं, पीछे लगाता है, जो वो ज़मीन में गड़ा हुआ रहता है और उसकी मदद से वो हल चलाते हैं, उसे क्या कहते हैं पुलाव। उसके बाद रेजर, उस्तरा, साव, आरी, स्पैड, फावड़ा, सिकल, दराती, स्पैड, कुदाल। उसके बाद में स्क्रू ड्राइवर, पेचकस, जो हमको नट को फिट करने के लिए जो स्क्रू इस्तेमाल करते हैं, स्क्रू ड्राइवर होता है, उसे क्या कहते हैं स्क्रू ड्राइवर। उसके बाद स्क्रू, पेच, प्लियर्स, प्लास, पेंट ब्रश, कलर ब्रश, लैडर यानी सीढ़ी, एटम बम, बॉम्ब। उसके बाद कैनन का मतलब तोप, आर्मर, जर्रा बख्तर, जो जंग पुराने ज़माने में जंग के अंदर जो जिस्म को महफूज करने के लिए जो हम लोहे की जो जीरा पहना करते उसे क्या कहते थे आर्मर, जर्रा बख्तर। स्वर्ड, तलवार, कार्ट्रिज, कारतूस, एम्यूनिशन, गोला बारूद, बुलेट, गोली, मशीन गन, बंदूक, डैगर, खंजर या छुरा, दो बार आ गए, ट्रेंच, खंदक, नेवी, बहरी फौज, तो समुंदर के अंदर जो फौज होती है उसे क्या कहते हैं नेवी कहते हैं। उसके बाद सबमराइन, पिंडब्बी, एटॉमिक वार, एटमी जंग, बैटलशिप, जंगी जहाज, सिविल वार, खाना जंगी, डिफेंस, दिफा, प्रोविजंस, रसद, जो जंग के मौके पर जो फौजियों खाने पीने का जो सामान रहता है उसे क्या कहते हैं रसद कहते हैं। कोल्ड वार, सर्द जंग, आर्मामेंट्स, जंगी हथियार, आर्मामेंट्स का मतलब होता है जंगी हथियार। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में लेसन नंबर 68 में हमने मुख्तलिफ औज़ारों और मुख्तलिफ हथियारों के मुतालिक मुकम्मल मालूमात हासिल की है। बहुत सारे नए नए अल्फाज के अंदर हमारे इजाफा हुआ है, हमने बहुत सारे नए नए अल्फाज यहाँ पर देखे, उसको पढ़ा, उसके मानी क्या होते उसको देखा उर्दू में। तो प्यारे बच्चों, आज का जो लेसन नंबर 68 है औज़ार और हथियार, टूल्स एंड वेयरफेयर, ये हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आइंदा नई वीडियो के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।